लोगों ने जो नफरत की आग लगाई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में जो लड़ा रहे हैं, इस यात्रा से सब एकजुट हो जाएंगे, सभी लोग एक साथ चलेंगे। अभी नहीं, 2024 में दिखाई देगा। आप जैसे करें गुजरात में क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा 24 की तैयारी है। 24 की बिल्कुल तैयारी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो बनाना। राहुल गांधी की दाद दूंगी कि राहुल गांधी जी ने इतनी हिम्मत दिखाई है, सबकी एकता एक साथ की है, और हम लोग जैसे को भी हिम्मत बढ़ाइए जो व्हील चेयर पे है, ये उनके साथ आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। कांग्रेस को मजबूत करना चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, देश में सत्ता चेंज हो, गरीबों को बेरोजगारों को रोजगार मिले। आप क्यों चाहते हैं देश में कांग्रेस मजबूत हो? मैं इस वजह से चाहती हूँ कि गरीब और छोटे तबके के आदमी को रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे को रोजगार नहीं है, इस वजह से बहुत सारे आदमी। क्यों बीजेपी गरीब और छोटे तबकों का ख्याल नहीं रख रही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम करके देश का बंटवारा कर रही है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस मध्य जोन, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थकान नहीं हो रही है? महसूस ही नहीं होता। अच्छा, क्यों महसूस नहीं होता? ये जो जनता से प्राप्त ऊर्जा है, ये संपूर्ण ताकत देती है। अच्छा, क्या लग रहा है क्या असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का? बिल्कुल, जिस मकसद से ये यात्रा निकाली गई है, भाईचारा बढ़ाने के लिए, अच्छा, वेदना को संवेदना में परिवर्तित करने के लिए, बिल्कुल सफल होगी ये यात्रा उसी मकसद। अच्छा, में क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस यात्रा से जो है देश तरक्की करेगा, देश खुशहाल होगा, हमारे देश की जनता को। यात्रा से कैसे तरक्की करेगा, थोड़ा समझा दीजिए। यात्रा से जैसे हमारा देश आज भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस गया है। अच्छा, उसे छुड़ाने के लिए इस यात्रा को राहुल गांधी जी ने, जनता की यात्रा। चंगुल में कैसे फंस गया? वोट पे तो प्रधानमंत्री बने हैं, वोट दिया गया उनको, वोट दिया लोगों ने, प्यार दिया, सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके उन्होंने सबका वोट लिया, लेकिन अब वो उस अपने नारे पे अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो क्या लगता है छलावा हुआ है क्या? जी जी बिल्कुल, जनता के साथ छलावा हुआ है। अच्छा, जनता के साथ धोखा किया है इन्होंने, जनता को छलने का काम अब भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब 2024 में क्या करेंगे आप लोग? 2024 में जनता देख रहे हैं, आप नज़ारा देखिए, जनता कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, राहुल गांधी जी से उम्मीद है जनता को। लल्लू, राहुल गांधी जी से उम्मीद है जनता को, राहुल गांधी जी के साथ आज देश उमड़ पड़ा है, जनता उमड़ पड़ी। आप देख लीजिए, ये कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये जनता की यात्रा साबित हो रही है, जनता की यात्रा इसको राहुल गांधी जी ने बना दिया है। अच्छा, चुनाव को हट करके ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, सभी भाइयों को साथ लेके चलना। एक राहुल जी ने जो कदम उठाया है, सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। बदलाव तो चुनाव में नहीं होगा, अब धीरे धीरे बदलाव होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा। अब एकदम से कोई मान लो अगर कुआं खाली पड़ा है उसको पाटा जाएगा तो धीरे धीरे ही पटेगा ना वो। अच्छा, एकदम से नहीं पटेगा। तो धीरे धीरे जो राहुल जी चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और बहुत बड़ा इसका एक इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी आने वाला टाइम है, राहुल जी बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ, विश्वास है? पूरा भरोसा है। अच्छा, पूरा भरोसा के साथ कहते हैं हम कि वही बनेंगे, और गरीबों का आंसू पोंछने वाला यही बंदा है, बाकी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कहते हैं, बाकी मतलब गरीबों का हकीकत में कोई नहीं सुनता है। आज जैसे कहीं पे भी जाओ, खाली राशन बांटने से कुछ नहीं होता है। अब बंदे का क्या क्या मुसीबतें, आप देखो कितनी महंगाई चल रही है, महंगाई के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है कोई?